नमस्कार दोस्तों, क्या कभी आपको एंजाइटी या डिप्रेशन या टेंशन जैसी चीज़ ज़्यादा घेरती है? आपका मन प्रसन्न नहीं होता है, आप खुश महसूस नहीं करते हैं किसी जगह पर, किसी काम में मन नहीं लगता है, अगर आप अपने आप को एक्टिव महसूस नहीं कर रहे हैं तो आप सबसे अच्छा है भ्रामरी करें। ये अगर आप शुरुआत करते हैं 3 से 5 राउंड तक आप इसको डेली प्रैक्टिस कर सकते हैं, धीरे धीरे ये हमारे शरीर में से एंजाइटी को, स्ट्रेस को, डिप्रेशन को, किसी भी प्रकार की मेंटल स्ट्रेस को हमारे दूर करेगा। तो चलिए जानते हैं कि इसके लिए हम क्या कर सकते हैं और कैसे करते हैं। तो सबसे पहले आप कंफर्टेबल अपने मैट पर या किसी भी प्लेन सरफेस पर कंफर्टेबली बैठें, अपने पैरों को पद्मासन में लगा लें, दोनों पैर एक दूसरे के ऊपर, पीठ कमर गर्दन हमारी सीधी, अपने हाथों को हम फोल्ड करेंगे और अपने अंगूठे को हम अपने कान के अंदर रखते हुए अच्छे से इसको बंद करेंगे, अपनी उंगलियों से अपनी आंखों को ढक लें हल्के से और अपने गले से हम हमिंग साउंड, एक्सहेल के साथ में हमिंग साउंड अपने गले से निकालना है। तो अपनी नाक से इनहेल करेंगे और नाक से ही एक्सहेल, और एक्सहेल करते वक्त हम अपने गले से हमिंग साउंड या ओम का वाइब्रेशन प्रोड्यूस करेंगे। भ्रामरी करते वक्त एक राउंड में हम 5 बार अपने गले से हमिंग साउंड या ओम का वाइब्रेशन इस प्रकार से हम अपने गले से प्रोड्यूस करें इस आवाज को। इससे जो वाइब्रेशन प्रोड्यूस होती है हमारे शरीर के अंदर और खास करके हमारे गले से और ऊपर के हिस्से पे, हमारे सर पे, हमारे ब्रेन पे जो इसके वाइब्रेशन का इफेक्ट होता है, ये धीरे धीरे हमारे स्ट्रेस को, हमारे डिप्रेशन को दूर करता चला जाता है। तो अगर आपको इस प्रकार की कोई भी बीमारी है, अगर आप इसको बीमारी नहीं भी मानते हैं और आप अपने निजी जीवन में खुश नहीं रहते हैं या कोई भी परेशानी है आपको, तो आप भ्रामरी प्राणायाम प्रैक्टिस करें। इससे आप आपके अंदर का जो डिप्रेशन है, जो सैडनेस है, वो धीरे धीरे दूर होती चली जाएगी। भ्रामरी करने के लिए ध्यान रहे कि जिनके कान में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स है या जिनके कान में बहुत ज्यादा दर्द होता है या कोई परेशानी है, वो लोग इस प्राणायाम को ना करें। इसके अलावा सभी लोग भ्रामरी प्राणायाम बड़े ही आराम से कर सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये छोटा सा वीडियो भ्रामरी प्राणायाम के ऊपर अच्छा लगा होगा, और अगर आप इस प्राणायाम को करते हैं, आपको अगर बेनिफिट महसूस होता है, तो प्लीज इस वीडियो पर वापस आए, कमेंट करें, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।